नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं जो भी किसान का जो भी ऋण माफ़ी है उसका आप आवेदन किस तरह से कर सकते हैं CSC पोर्टल के माध्यम से। आपका अगर CSC है, CSC ID के माध्यम से आप किस तरह से उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसका सारा प्रोसेस आपको बैक टू बैक बताने वाला हूँ, क्योंकि लाइव हो चुका है सारा चीज़। तो आप चलिए, हम मैं चलता हूँ। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे CSC हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद देखिए, यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट में ही दिखाई देता है रजिस्ट्रेशन फॉर कृषि ऋण माफ़ी योजना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन जा रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे वेबसाइट नज़र आएंगे। और आने के बाद कुछ इस तरह से इसका पोर्टल दिखाई देते हैं, जैसे कि झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इसका वेबसाइट है। और इस वेबसाइट के माध्यम से आप जो भी किसान है उस किसान का जो ऋण है उस ऋण माफ़ी के लिए आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लाइव हो चुका है, आज हम पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम लेटेस्ट जानकारी हम लाते रहेंगे इस चैनल पे। और हमारे बहुत सारे हमारे वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन ना लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप इसके मुख्य पोर्टल के जो भी मुख्य मेनू है, यहाँ पे देखिए प्लीज इंटर वोर आधार नंबर। जैसे ही आप यहाँ पे आधार इंटर करेंगे, वैसे ही आप इस वेबसाइट के अंदर जाएंगे। और जाने के बाद आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी किसान है, जो किसान का आप ऋण माफ़ी करवाना चाहते हैं उस किसान का, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। तो हमारे पास भी एक किसान का नंबर है, आधार नंबर है, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे। और फिल करने के बाद हम बैक टू बैक सारा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो आपको आधार नंबर, राशन नंबर और मोबाइल नंबर, ये तीन चीज़ आपको अपने पास रखना है जिस किसान का आप ऋण माफ़ी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट डालते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे डाल लिया। यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हमारे सामने पोर्टल आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स हमारे सामने खुल चुका है। यहाँ पे अकाउंट नंबर, कितना यहाँ पे बैलेंस है, कितना आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, आपका ब्लॉक कहाँ, सर्कल कहाँ पड़ता है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सब कुछ, बैंक नेम, सारा कुछ डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आपको एक अल्टरनेट नंबर डाल लेना है, जो कि किसान का नंबर है, उस किसान नंबर, जो भी जो किसान का नंबर है उस किसान का नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। तो हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, आप भी आसानी से फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको राशन कार्ड नंबर भी यहाँ पे इंटर करना होगा। यहाँ पे राशन कार्ड नंबर इंटर करना होगा, तो हमने यहाँ पे राशन कार्ड नंबर भी इंटर कर लिया है। और यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने फिर कुछ ऑप्शन नीचे आएंगे राशन कार्ड से संबंधित, जैसे कि आपका नाम चिन्हित करके उसे चयन करें। आपके राशन कार्ड में से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका नाम कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर में जो भी दिखाई दे रहा है उसी का नाम है ये। और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन है, उसे यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लेना है। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन सारे में से अगर आपका जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप पे पढ़ लेना है एक बार। और पढ़ने के बाद मैं घोषणा करता करती हूँ कि उपरोक्त सभी श्रेणी से संतुष्ट हूँ। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ फिर चेक कर लेना नीचे में, ठीक है।
मैं घोषणा करता हूँ कि निम्न श्रेणियों में नहीं आता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, इन श्रेणियों में से नहीं आता हूँ। तो यहाँ पे देख लेंगे, और देखने के बाद और यहाँ पे आई हैव डिक्लेरेशंस जो भी है यहाँ पे आपको चेक कर लेना। चेक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर ई केवाईसी, ई केवाईसी के लिए आप तैयार रहें। अब जैसे यहाँ पे प्रोसीड फॉर ई केवाईसी के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा वेबसाइट आगे लेकर के जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए आधार ऑथेंटिकेशन गेटवे, ठीक है। तो यहाँ पे फिंगर अटैच करना होगा, और फिंगर के साथ यहाँ पे उसका वेरीफाई करना होगा। फिंगर के बाद उसके बाद यहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताइए कमेंट करके। और जैसे ही आप यहाँ पे जो भी किसान है उस किसान का फिंगर यानी मोर्फो या जो भी है फिंगर, उस फिंगर के माध्यम से आप उसका फिंगर अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद आप आसानी से इसका फॉर्म फिलअप